Subscribe to my channel for more amazing content. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं RTX 4060 और RTX 4050 गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में, जो कि MSI की तरफ से जो है आप लोगों को लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे ऑन 28 फरवरी। ठीक है, तो 28 फरवरी को आपको जो है RTX 40 सीरीज वाले इनके गेमिंग लैपटॉप मिलेंगे। और दोस्तों, कुछ चीजें हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि जो भी प्राइसिंग मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने प्राइसिंग भी जो है साथ में लिस्टिंग कर दी है, बहुत सारे इसमें कमिंग सून लेके लिखा रहा है। और जैसे फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स हो गया, वहां पे तो इन लोगों ने प्राइसिंग लिख दी है, लेकिन सेल चालू नहीं हुई है, 28 फरवरी को चालू होगी। MSI की प्राइसिंग इन जनरल व्हेन इट कम्स टू द गेमिंग लैपटॉप इन इंडिया थोड़ी स्लाइटली ओवरप्राइज्ड होती है। तो प्राइसिंग देख के ये मत सोचना दोस्तों कि जो ओवरऑल प्राइसिंग है इस बार ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी दूसरी कंपनीज जो है उनकी प्राइसिंग आप लोगों को जो है थोड़ी बहुत मैं कहूंगा ग्राउंड लेवल पे दिख जाएगी। तो MSI की प्राइसिंग थोड़ी बहुत जो है कहीं ना कहीं इंडिया में ऊपर यहां पर रहती है। नाउ ऐसा नहीं है कि एक दो लैपटॉप्स यहां पे लॉन्च हुए हैं, कुल मिला के 5-6 सीरीज जो है MSI एक साथ यहां पे इंडिया में लेके आ रहा है, और उनके आपको जो है अप टू RTX 4090 जो है यहाँ पे मॉडल देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं एक एक चीज के बारे में यहाँ पे। नाउ एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के केस में दोस्तों मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज दीज आर आउट ऑफ बजट लैपटॉप्स। नाउ रिसेंटली दोस्तों HP की तरफ से ओमन जो है RTX आई थिंक 4080 या फिर 4090 के साथ लॉन्च हुआ है। तो वो चीज मैं जो है दोस्तों अपने चैनल पे कवर करना यूजुअली अवॉइड करता हूँ। आई most likely stick with RTX 4050, 4060 and 4070 because the kind of audience जो मेरे चैनल पे आती है वो उन्हीं लैपटॉप्स को जो है दोस्तों ढूंढते-ढूंढते आती है। So I try to avoid RTX 4080 and 4090। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीम परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे वेक्टर सीरीज में जो है एक लैपटॉप लॉन्च हुआ है 4070 के साथ में। और साथ ही में दोस्तों अगर आप लोग रेडर में देखें तो रेडर सीरीज में दोस्तों आप लोगों को जो है RTX 4080, 4090 यही वाले जो है मॉडल्स मिलेंगे, तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। नाउ वेक्टर सीरीज जो है दोस्तों ये वाला लैपटॉप आप लोगों को अराउंड जो है 280 का देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर। नाउ अमेजोन के ऊपर जो भी लैपटॉप्स अगर आप इस लिंक थ्रू क्लिक करते हैं तो वहां पे वो अनअवेलेबल बताएगा। तो डेफिनेटली जब तक एम्बार्गो नहीं हटता 28 तारीख का, तब तक जो है वहां पे सेल चालू नहीं होगी। बात करते हैं दोस्तों हमारे वाले लैपटॉप्स की, दैट मींस जिस चीज के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, गेमिंग लैपटॉप्स ऑन दी गो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टेल्थ सीरीज से। तो स्टेल्थ सीरीज के यहाँ पे दो मॉडल लॉन्च होंगे, स्टेल्थ 17th स्टूडियो जो कि RTX 4070 के साथ में आएगा, और एक स्टेल्थ 15 वाला जो है दोस्तों कॉमन कंज्यूमरिज्म लैपटॉप आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 15 इंच वाले डिस्प्ले के साथ में आएगा। एंड प्राइसिंग आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे फ्रेंड्स की अराउंड 162 के करीब है, लेकिन स्टिल व्हाट आई थिंक जो कि इन लोगों को नहीं करना चाहिए कि एटलीस्ट ये लोग पैनल की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज 45% NTSC इस प्राइस पॉइंट पे देना डेफिनेटली 160 तक प्राइस पॉइंट नहीं रहेगा, सेल तक आते आते थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि 160 का जो है 1,00,000 यहाँ पे बन जाए। मोस्ट लाइकली ये 150-155 तक होगा, लेकिन उस प्राइस पॉइंट पे भी इन लोगों ने इस क्वालिटी का पैनल दिया हुआ है, आई थिंक दैट्स नॉट एट ऑल गुड। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे साइबोर्ज सीरीज की, जहां पे सबसे ज्यादा गेमिंग लैपटॉप लॉन्च। नाउ ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप लोगों को अगर RTX 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड मिल रहे हैं तो प्रोसेसर इंटेल के 13th जनरेशन के ही जो है देखने को मिले, 12th जनरेशन के साथ में भी RTX 40 सीरीज के जो है आप लोगों को लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है कॉस्ट बैलेंस की जो है कहीं ना कहीं कोशिश करने की कोशिश की है। इंटरेस्टिंगली साइबोर्ज सीरीज जो आ रही है इंडिया में, वहां पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 12th जनरेशन वाले ही प्रोसेसर देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, और साथ में आप लोगों को RTX 4050 और RTX 4060 वाले जो है ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, एंड द चीपेस्ट लैपटॉप इन द साइबोर्ज फ्लीट जो कि आप लोगों को इंटेल कोर i5 12450H के साथ में RTX 4050 जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। याद रखिए दोस्तों ये जो भी प्रोसेसर लिखे हुए हैं 650H, 450H, these are not top end processor in i5 or i7, ये जो है कहीं ना कहीं आपके बॉटम जो प्रोसेसर आते हैं H सीरीज में
वो जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फॉर द पैशनेट गेमर सीरीज, जिसमें आती है आपकी पल सीरीज और कटाना सीरीज। तो कटाना सीरीज इंटरेस्टिंगली इस बार आप लोगों को 13th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ भी देखने को यहाँ पर मिल रही है। और आपको जो है यहाँ पे दोस्तों RTX 4060 और 4050 वाले जो भी ग्राफिक कार्ड है उनके साथ में चीजें देखने को मिल जाएंगी। साथ ही में यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे दोस्तों कि सारे के सारे ऑप्शंस जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो सब 1 TB NVMe SSD के साथ में है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। ठीक है, कहीं ना कहीं से जो है कॉस्ट कटिंग करने की भी कोशिश यहाँ पे की गई है, बट लॉन्चिंग एंटायर सीरीज विथ 1 TB ऑफ स्टोरेज, आई थिंक इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट जो कि यहाँ पे MSI दे रहा है। बिकॉज काफी समय से दोस्तों 512 GB का SSD स्टोरेज गेमिंग लैपटॉप्स में, इवन हायर एंड गेमिंग लैपटॉप्स में दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, विच इज काइंड ऑफ यूजलेस। बिकॉज जो लोग इस लैपटॉप को खरीदेंगे डेफिनेटली दे विल बी मोर एग्रीगेटेड टुवर्ड गेमिंग। तो 512 GB गेमिंग के लिए दोस्तों मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज गेम लोड करने के बाद में वो एक्सपैंड होते रहता है। मैंने पर्सनली खुद ने ऐसे गेम्स देखे हुए हैं दोस्तों जो कि 280 GB तक जो है एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 TB का स्टोरेज होना व्हेन इट कम्स टू दी गेमिंग साइड, हार्डकोर गेमिंग साइड, वो चीजें ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पल्स सीरीज की। तो पल्स सीरीज में फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ओनली एक मॉडल जो है एज ऑफ नाउ लॉन्च हुआ है RTX 4070 के साथ में। और वंस अगेन यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 17 इंच का जो पैनल है दोस्तों, मुझे लगता है कि कबाड़ पैनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वाड एचडी वाले जो मॉडल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों वेक्टर सीरीज में भी जो है आप लोगों को 17 इंच का डिस्प्ले मिलता है, बट इट्स अ क्वाड एचडी डिस्प्ले विद 100% DCI-P3 कलर वॉल्यूम। तो क्वाड एचडी वाले जो भी 17 इंच वाले पैनल है दे आर वेरी गुड। तो कुछ यहाँ पे हम लोग दोस्तों लिस्टिंग देख लेते हैं, जैसे कि ये फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टिंग है MSI की तरफ से वेक्टर सीरीज का, जो कि मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को बताया 17.3 इंच क्वाड एचडी डिस्प्ले के साथ में ये वाला लैपटॉप है। वैसे ही आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे कि MSI की स्टेल्थ की जो है यहाँ पे लिस्टिंग की हुई है, और 28 फरवरी को जो है ये वाला लैपटॉप आप लोगों को खरीदने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें दोस्तों तो कटाना सीरीज का 17 इंच वाला लैपटॉप आप लोगों को देखने को मिलता है, 13th जनरेशन प्रोसेसर विद RTX 4060। वैसा ही कुछ कुछ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो है कटाना सीरीज का 15 इंच वाला जो मॉडल है वो आप लोगों को 16 GB रैम और 1 TB SSD के साथ में जो है अमेजोन के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो देर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग चॉइस, एंड वट आई थिंक इज की 17 इंच वाले जो मॉडल है आप लोगों को फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल रहे हैं, और जो 15 इंच वाले मॉडल हैं वो आप लोगों को अमेजोन के ऊपर मिल रहे हैं।